भले ही यूपी पुलिस ने अपने 8 जवान खोए हों, लेकिन यूपी पुलिस का मनोबल आज भी बुलंदियों पर है। सायहापुर में एक कोतवाल अपनी सरकारी चौपहिया गाड़ी छोड़कर बाइक पर गश्त करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बाइक वाले कोतवाल का नाम दे दिया है। बाइक वाले कोतवाल की माने तो बाइक से सकरी गलियों के अंदर तक आसानी से गश्त की जा सकती है। वहीं इलाके के लोग भी बाइक वाले कोतवाल के अंदाज की दिल से सराहना कर रहे हैं। वैसे तो चौपहिया गाड़ी किसी भी कोतवाल के लिए शान का प्रतीक होती है, लेकिन धीरेंद्र सिंह चौहान अपनी चौपहिया गाड़ी छोड़कर बाइक से रात भर गश्त करते हैं। महज एक सिपाही के साथ वह अपने इलाके का कोना कोना बाइक के जरिए छान मारते हैं। चाहे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की चेकिंग करना हो और चाहे अपराधियों का पता लगाना हो, कोतवाल धीरेंद्र सिंह बाइक के जरिए ही अपना पूरा काम करते हैं। उनका मानना है कि बाइक के जरिए वह पतली और सकरी गलियों में भी आसानी से गश्त कर सकते हैं। अमूमन किसी भी कोतवाल को सरकारी गाड़ी में 5 से 6 पुलिसकर्मियों के साथ ड्यूटी करना होता है, लेकिन बाइक पर 2-2 पुलिसकर्मी पूरे इलाके में यहां अपराधियों में खौफ पैदा कर रहे हैं। फिलहाल कोतवाल का कहना है कि अपराधियों को सुराग रसी के लिए बाइक से पेट्रोलिंग करने का ये सबसे उम्दा तरीका है। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल चोरियों की घटना ज़्यादा हो रही हैं, ये गैंग यहाँ पर सक्रिय हो गया है। इसका खुलासा हमें करना है। इसकी रोकथाम तभी हो पाएगी जब हम इस गैंग के किसी सदस्य को पकड़ पाएंगे, तभी इसका खुलासा होगा। दिन में और रात में मोटरसाइकिल से ही गश्त करते हैं, क्या है इसका मेन रीज़न जो है? भाई हम गाड़ी से निकले, उसके बाद इनसाइड हुए तो लोग यहाँ समझेंगे जो अपराधी की गाड़ी चली गई, दूसरी कोई घटना लूट कर दें, कुछ कर दें। हम जब मोटरसाइकिल से अचानक करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय का जो है एक चला हुआ अभियान, जो मोटरसाइकिलों द्वारा जो है मोटरसाइकिल कोई रोकने पर जो भागते हैं तो उनको जिग जैग तरीके से रोकना, ये एक अभियान चला हुआ है, उसके तहत ये भी कार्रवाई हो जाती है। लोगों का यह भी कहना है कि यह कोतवाल कुछ अलग हटकर है, उनका काम करने का अंदाज तो बेहद निराला है। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ वह अच्छा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से यह कोतवाल यहाँ बाइक वाले कोतवाल के नाम से फेमस है। इससे जब से ये कोतवाल साहब आए हैं, बाइक से लगातार दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, बाइक से नगर में गश्त करते हैं, गलियों में भी गश्त करते हैं। उसके बाद जितना भी गुंडा माफिया या बाइक लुटेरे जो थे, उन गैंग के हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो चौराहे तक आएं। इसके साथ साथ कोतवाल जलालाबाद रात्रि के किसी भी समय बाइक से कोतवाली से निकलते हैं और जितने भी चेक पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ हैं, उन पॉइंटों पर जाते हैं और अपने सभी पुलिसकर्मियों को देखते हैं, कोई सो तो नहीं रहा है। जब से ये आए हैं तब से बहुत अच्छा माहौल है, गुंडे मवाली सब बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ गए हैं। कोतवाल का बाइक से ड्यूटी करना उनके आला अफसरों को भी पसंद आ रहा है। पुलिस के आला अफसरों का मानना है कि बाइक के जरिए पुलिस आसानी से अपराधियों का पता लगा सकती है, साथ ही लोकल इन्फॉर्मेशन के लिए भी यह तरीका सबसे बेस्ट है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं और इससे आपको पब्लिक का फीडबैक भी मिलने में सुविधा रहती है। और अगर मोटरसाइकिल का एक स्क्वाड बनाने की बात हुई थी, अकेले नहीं जा रहे होंगे, हो सकता है कि उसके साथ 4-5 मोटरसाइकिलें और रही होंगी, तो ये भी एक चेकिंग का ही एस्पेक्ट है कि मान लीजिए जैसे आप चेक कर रहे हो, उस वक्त कोई मोटरसाइकिल से एक अपराधी है वो किसी गली वली में चला जाता है, तो गाड़ियों से उसका पीछा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस लिहाज से अगर मोटरसाइकिल का हमारा स्क्वाड अगर चेक कर रहा होगा, तो अगर कोई इस तरह की बात होती है तो उसको घेरने में सुविधा होती है, उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई भी की जाती है। तो इस एस्पेक्ट से भी ये चीज़ें सराहनीय है, अच्छा काम कर रहे हैं। मनोबल बढ़े इसके लिए कई समय समय कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको निर्देश भी दिए जाते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उनको उसके लिए प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी दिया जाता है। अभी आपको ख्याल होगा, अभी कल की ही बात है, वहाँ सदर बाजार चौकी थाना क्षेत्र में एक महिला थी जिसको करीब 1 साल बाद पता लगने पर उसको रेस्क्यू किया गया। उसमें भी जो वहाँ का जो चौकी इंचार्ज है उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, उसके लिए भी हमने पुरस्कार की घोषणा की थी। तो मोटिवेशन हमेशा बना रहना चाहिए, एक मोराल पुलिस का हमेशा बना रहना चाहिए, इसका प्रयास हम लोग के लेवल पे हमेशा बना रहता है। बाइक के जरिए ही धीरेंद्र सिंह कोतवाल अब तक 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज चुके हैं, जिनके पास से असलाह भी बरामद किए जा चुके हैं।
फिलहाल बाइक वाले कोतवाल का यह अंदाज यहां लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि धीरेंद्र सिंह जैसे पुलिस अफसरों को देखकर आज भी पुलिस का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है।